हेलो एवरीवन, नाउ स्टूडेंट इन चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। ठीक है, हमने देखा था कल चार्जेस कौन कौन से होते हैं, आज फिर से उसके बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसफ़र कैसे होते हैं चार्जेस, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। नाउ इन एक्टिविटी नंबर 15.4 एंड वी विल लर्न द इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 15.4 लेंगे और इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये रहा इलेक्ट्रोस्कोप और कैसे बनाया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशंस, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, अ चार्ज्ड बलून रिपेल्ड अ चार्ज बलून। क्या हो जाता है, चार्ज बलून, ठीक है, रिपेल्ड अ चार्ज बलून, यानी जब दो बलून एक ही समान चार्ज होते हैं तो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, है ना। अब दूसरा देख लेते हैं, अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल, ये भी हमने देखे थे, चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल। ठीक है, यहाँ पे भी क्योंकि दोनों में, दोनों रिफिल्स में क्या है, चार्ज सेम है। चलो थर्ड कंडीशन क्या थी, बट अ चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल, अ चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, दैट इज कॉल्ड द अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अनलाइक चार्जेस, एंड दैट डज इट इंडिकेट that the charge on the balloon is of the different kind from the charge on the refill? Yes, of course. And can we say then that there are the two kinds of charges? Yes, of course, there are the two kinds of charges. Student, I have already explained you about the positive and the negative charges. So can we also say that the charges of the same kind repel each other? Yes, we can say that. The same kind repel each other. ठीक है, same kind of the charge repel each other. And while the different charges of the different kind attract each other. यहाँ तक तो हमें समझ में आया। अब it is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with the silk as positive. अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हम ले लेते हैं, ग्लास रॉड लेने का है हमें। ठीक है, वी हैव टू टेक द ग्लास रॉड एंड व्हेन इट रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ और एज अ पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव आप समझ में आया आपका, कहाँ कौन सा पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव हो रहा है। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, दैट एक्वायर द ग्लास रॉड when it is rubbed with silk as a positive. तो silk as a positive and the glass as a negative. आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. Yes, of course. A glass rod is brought near the charged plastic straw. यानी हमने एक को तो चार्ज कर लिया है, glass rod को किया है चार्ज, and a दूसरा near a charged, किसको लिया हमने, plastic straw. ठीक है, rubbed with the polythene. There is attraction between the two. अब यहाँ पे दोनों में attraction, क्योंकि यहाँ पे unlike charges develop हो गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, है ना। व्हाट डू यू थिंक, वुड इट बी काइंड ऑफ द चार्ज इन द प्लास्टिक स्ट्रॉ, योर गेस दैट इज प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी द नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक स्ट्रॉ इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो अब देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट बाय रबिंग आर द स्टैटिक, यानी जब भी हम किसी चीज़ रब करते हैं
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक, क्या बोलेंगे उसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, अब चार्ज वहीं रहते हैं, दे कैन नॉट मूव देमसेल्फ। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी अगर हमने प्लास्टिक का स्ट्रॉ लिया है या ग्लास का रॉड लिया है तो वो चार्जेस वहीं रहेंगे, दे कैन नॉट मूव देमसेल्फ, है ना। लेकिन व्हेनेवर वी सी द आवर सॉकेट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सॉकेट, जो हम वायर लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र होते हैं, मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनादर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब जब भी वहाँ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तब वो चार्ज मूव हो गए, नहीं तो वो वहीं रहेंगे। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास सिक्स में आपने पढ़ चुका है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। द करंट इन द सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो, इसलिए बल्ब ग्लो होता था, सर्किट फ्लो होती, सर्किट पूरी हो जाती थी तो क्या हो जाता था, बल्ब ग्लो हो जाता था विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी, रिमेंबर दैट। और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट, ये भी देखा था आपने, है ना, करंट जब फ्लो हुआ था तो तब वायर हॉट हो चुका था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा था, याद आया आपको। इट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ चार्जेस, अंडरस्टैंड दिस। यानी जब तक भी हम उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जब तक पास नहीं करते करंट तब तक वो मूव नहीं हो सकते। और जैसे कि हमने देखा था कहाँ पे, ग्लास रॉड के अंदर में, ठीक है, ये ग्लास रॉड के अंदर में और प्लास्टिक स्ट्रॉ के अंदर में, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इलेक्ट्रिक करंट, सो दे आर स्टिल देयर ओनली, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनादर। चलो अब हम देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्जेस 5.4, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, कैसे ट्रांसफर होते हैं चार्जेस, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी का नाम है 15.4, ठीक है। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, जैम जार बॉटल होती है वो लेने का है, देख रही है यहाँ पे दिख रहा है फोटो में, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ये दिख रहा है कार्डबोर्ड, स्लाइटली बिगर दैन द साइज ऑफ द माउथ ऑफ द बॉटल, ये माउथ के बॉटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना, इतना बड़ा है वो। पायर्स अ होल, यहाँ पे एक होल करना है उसके बीचों बीच में एक, ठीक है, एक छेद करना है, होल करना है। इट इज ऑल दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, देखो इस प्रकार से एक हुक भी बनाना है मेटल और उसके यहाँ मेटल क्लिप, ठीक है। और अब जो असली चीज़ जो हमें करना है, ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन द फिगर नंबर 15.4, और ये इस प्रकार से ओपन रखना है यहाँ पे, ये यहाँ ऊपर से इस प्रकार से, ऐसा कि आप उसमें लटक जाए, है ना, ऐसा ऐसा कवर करके अंदर में जाके, और फिर ये इस प्रकार से एक पेपर क्लिप यहाँ पे छोड़ देना लटका के, और ये जार के बोतल के अंदर होना चाहिए सब। कट टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ईच, अब एक फॉइल लेने का है, ठीक है, ये जो फॉइल लेने का है इस प्रकार से हुक बनाने का, ये फॉइल दिख रही है आपको, 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप, ये यहाँ पे पेपर क्लिप पे यहाँ पे हैंग कर देने का है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके हम उसको बड़ा पिक्चर हम बाद में देखेंगे। हैंग देम इन द पेपर क्लिप एज शोन, इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द ट्विट, ये परपेंडिकुलर टू इट हो गई, दोनों भी एक प्रकार से परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चार्ज और रिफिल एंड टच इट, ये देखो अब ये रिफिल ले लिया, एंड यू हैव टू चार्ज नाउ विद द हेल्प ऑफ द पॉलीथीन विथ वन एंड ऑफ द पेपर क्लिप, ऑब्जर्व, अब टच करना है इसको, जैसे चार्ज किया तो वहाँ पे ये वन एंड ऑफ द पेपर क्लिप यहाँ पे टच किया, व्हाट हैपन, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, इट देयर एनी इफेक्ट ऑफ द फॉइल स्ट्रिप्स, ये फॉइल स्ट्रिप्स पे कोई इफेक्ट हो रहा है क्या, डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, नाउ टच द चार्ज बॉडी विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, अब क्या करने का है, नाउ टच द अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, डू फॉइल स्ट्रिप बिहेव
द सेम वे इन द केसेस कैन दिस एपरेटस बी यूज टू डिटेक्ट वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट. यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, कभी भी ये हलेगा अगर यहाँ पे अगर आप रिफिल लगाते हो तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉइल का डिफ्लेक्शन होगा, तो समझ जाना चार्ज फ्लो हो रहा है और उसमें करंट पास हो रहा है ना. कैन दिस अपरेटस बी यूज फॉर डिटेक्ट वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट. कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप रिपेल ईच अदर. ये फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर हुआ, तो रिपेल ईच अदर हुआ मतलब सेम चार्जेस है ना. रिपेल ईच हुआ तो सेम चार्जेस, अट्रैक्ट हुआ तो अपोजिट चार्जेस और द अनलाइक चार्जेस. So then with the end of the paper clip, observe what happens. Is there any effect on the foil strip? Do they repel each other or attract each other? Now touch the other charge body with the end of the paper clip. ठीक है. Do the foil strip behave in the same way on all cases? Can this apparatus be used to detect whether the body is charged or not? Can you explain why the foil strip repel each other? रिपेल ईच अदर आपको पता है, दैट मीन्स द चार्जेस आर सेम. अट्रैक्ट हुआ तो चार्जेस आर अनलाइक है ना. चलो अब ये बड़ा पिक्चर देख लेते हैं. देखिए ये इस प्रकार से हुक लगाया है, ये पेपर स्ट्रिप्स है, ये जार बॉटल है, जैम बॉटल है और ये फॉइल है. अगर यहाँ पे आपने इसको करंट दिया या अलग अलग मटेरियल से देना है, ज़रूरी नहीं कि रिफिल से देना है, आप ग्लास रॉड से भी दे सकते हैं, तो आपका डिफ्लेक्शन होगा. यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रिपेल हुआ तो क्या हो रहा है, दे आर शोइंग द रिपेलिंग ईच अदर, दैट मीन्स द लाइक चार्जेस आर देयर. अंडरस्टूड. तो इस प्रकार से ये पूरे इक्विपमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप. वी कैन से दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग एज एन इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट अ डिफ्लेक्शन और अ करंट ऑन दैट ऑन एनी बॉडी दैट इज अन करंट. अगर वो करंट है कि नहीं, इस प्रकार से फ्लो हो रहा है कि नहीं, इस देखने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप या आप घर में बना सकते हैं, होम मेड इलेक्ट्रोस्कोप बोल सकते हैं इसे. चलो आगे बात समझ में ये वाली, आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल. आप ठीक है, अगर रिफिल लगाया है तो सेम चार्ज होगा उसके अंदर में. थ्रू द पेपर क्लिप, रिमेंबर दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम फॉइल लिया था, दैट मीन द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन. सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर an object is carrying charge or not, and this device is known as electroscope. इसी को ही हम बोलेंगे electroscope. तो क्या काम में आता है ये electroscope, देख लेते हैं. देखो फिर से मैं यहाँ पर underline कर देता हूँ. Such device is can be used to test whether an object is carrying charge or not. अब charge है, कौन सा चार्ज है, अनलाइक चार्ज है या लाइक चार्जेस है, ये दोनों देखने के. अगर डिफ्लेक्शन हुआ, रिपेल हुआ तो लाइक चार्जेस है, अट्रैक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हुआ तो अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस में रिपेल हो जाता. तो ये सब डिवाइस किस लिए देखते हैं, कैरिंग द चार्ज और नॉट, ये देखने के लिए हमें ये इसका इस्तेमाल करते हैं. ये तो बहुत छोटे तौर पर, लेकिन बहुत बड़े इसमें जो बड़ा इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसमें हम इसी प्रकार का, ये देखिए इसी प्रकार का हम यूज़ होता है, लेकिन वो अलग प्रकार का होता है. ठीक है, ये तो होम मेड इलेक्ट्रोस्कोप हो गया. तो बच्चों आज हम अपना सेशन यहीं एंड करते हैं. सो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है. यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस पर्टिकुलर टॉपिक, द ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box.
आई विल आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू.